ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ PCD नंबर 3736। मॉर्निंग क्लास डेटेड 7th डिसेंबर 1968। क्लैरिफाइड ऑन 17th सितंबर 2021। आज का प्रातः क्लास है 7/12/1968। Today's morning class is of the 7/12/1968. Shanivar. Saturday. Om Shanti. Om Shanti. ये ओम शांति का अर्थ मालूम है तुम बच्चों को? Do you children know what Om Shanti means? मालूम है अर्थ का मीनिंग। डू यू नो इट्स मीनिंग? ज्योति। ओम शांति का अर्थ क्या है बताओ। ज्योति, टेल मी द मीनिंग ऑफ ओम शांति। किसी ने कहा मैं आत्मा हूं। Someone said, I am a soul. हाँ, मैं आत्मा हूँ और शांत स्वरूप हूँ। Yes, I am a soul and I am the embodiment of peace. Aum, मैं आत्मा हूँ। Aum, I am a soul. शांत स्वरूप हूँ। I am the embodiment of peace. अभी पुरुषोत्तम संगम युग में जब तुमको बताया जाता है ना, ये अर्थ है ओम शांति का, तो तुमको शांति धाम घर याद आता है। Now in the पुरुषोत्तम confluence age, when you are told the meaning of ओम शांति, You remember the abode of peace, home. जो आत्माओं का अपना घर है ना, वो याद आता है। You remember the home that belongs to the souls themselves. और आत्मा को तो ये मालूम है कि हमारा घर है शांत देश। And the souls know that our home is the country of peace. और मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। एंड आई द सोल एम ऑल्सो द एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस। इस सृष्टि में मैं आत्मा जब आता हूँ तो आर्गन से मिलते हैं, तब टाकी बनता हूँ। वेन आई द सोल कम टू दिस वर्ल्ड आई रिसीव ऑर्गन्स, देन आई बिकम टॉकी, दैट इज केपेबल ऑफ स्पीकिंग। ये तो मेरी बात हुई। वेल, दैट वॉज अबाउट मी। अर्थात सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की बात हुई। इट मीन्स इट वॉज अबाउट द सुप्रीम सोल, द पॉइंट ऑफ लाइट। तो तुम भी तो टाकी बनते हो ना। तो यू टू बिकम टॉकी, डोंट यू? तुम हो तो बाके शांत स्वरूप देश के, शांति धाम के। यू सर्टेनली बिलोंग देयर टू द कंट्री ऑफ द एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, द अबोड ऑफ पीस। फिर जब इस दुनिया में शरीर में आते हो तो चुरुपुरु करते हो। देन व्हेन यू कम टू दिस वर्ल्ड, टेक ऑन अ बॉडी, You make movements. बड़े होते हो तो टाकी बन जाती हो। When you grow older, you become talkie. आहिस्ते आहिस्ते टाकी बनते हो। You become talkie gradually. अब ये परमपिता और ये परमात्मा दोनों कंबाइंड है ना।
Now, the Supreme Father and the Supreme Soul, both of them are combined, aren't they? तो ये तो बड़ा है ही एक व्यक्तित्व. So, this one is a great personality. और इनकी आत्मा कोई छोटी आत्मा नहीं कहेंगे. And his soul won't be called any insignificant soul. उन दोनों आत्माओं को भी रथ चाहिए. Both the souls need a chariot. किस लिए? टाकी बनने के लिए. For what? To become talkie. तो जैसे तुम बच्चे टाकी हो और रहने वाले परम धाम के हो. Just like you children are talkie and you belong to the supreme abode. उससे बड़ा धाम तो और कोई होता ही नहीं है आत्माओं का. There is no abode for the souls bigger than it. वैसे ये भी कहते हैं मैं भी टाकी बना हूं. As such, this one also says, I have also become talkie. इस सृष्टि में आकर के तुमको नॉलेज देने के लिए. After coming to this world to give knowledge to you. कौन सी नॉलेज? Which knowledge? अरे अपना परिचय भी देना है और ये जो रचना है उस रचना के आदि मध्यंत और आदि मध्यंत का ज्ञान देना है, पढ़ना है. अरे आई हैव टू गिव माई ओन इंट्रोडक्शन एंड आई हैव टू गिव द नॉलेज एंड टीच अबाउट द बिगिनिंग द मिडिल एंड द एंड ऑफ दिस क्रिएशन. वो ज्ञान देना ही माना पढ़ाई. टू गिव नॉलेज इटसेल्फ मीन्स टू टीच. उसको ज्ञान नहीं कहा जाता है जो दुनिया में दिया जाता है अनेक मनुष्य गुरुओं के द्वारा. द एजुकेशन गिवन इन दिस वर्ल्ड बाई मेनी ह्यूमन गुरुज इज इट कॉल्ड नॉलेज. क्योंकि वो तो सब जिस्मानी ज्ञान है जिस्मदारियों के द्वारा दिया जाता है देहधारियों के द्वारा. इट इज बिकॉज ऑल दैट इज बॉडीली नॉलेज दैट इज जिस्मानी ज्ञान गिवन बाय जिस्मधारी दैट इज बॉडीली बींग्स. क्योंकि वो देहधारी गुरु तो अपन को देह समझते हैं ना. इट इज बिकॉज दोज बॉडीली गुरुज कंसिडर देमसेल्व्स एज अ बॉडी डोंट दे. समझते हैं कि हम देह लेते हैं. दे थिंक वी टेक ऑन अ बॉडी. ये देह लेते हैं वो देह लेते हैं. वी टेक ऑन दिस बॉडी दैट बॉडी. वो ज्ञान उनमें नहीं है कि हम आत्मा परम धाम की रहने वाली है और इस दुनिया में शरीर में आकर के ये ज्ञान सुनते हैं. दे डोंट हैव द नॉलेज. वी सोल्स आर द रेसिडेंट्स ऑफ द सुप्रीम अबोर्ड एंड वी लिसन टू द नॉलेज आफ्टर एंटरिंग अ बॉडी इन दिस वर्ल्ड. वो ज्ञान उनमें नहीं रहता है. They don't have that knowledge. यहाँ आते हो तो सुनते हो कि बरोबर बाबा आया हुआ है साकार निराकार का मेल. When you come here, you listen that truly Baba, the combination of the corporeal one and the incorporeal one, has come. और वो बाबा पतित है पावन भी है. एंड दैट बाबा इज द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर एज वेल. है बाबा है साकार और निराकार का मेल. बाबा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉर्पोरियल वन एंड द इनकॉर्पोरियल वन. तो कौन पति तो कौन पावन. सो हु इज इम्प्योर एंड हु इज प्योर. साकार है पतित
और निराकार है। द कॉर्पोरियल वन इज द इम्प्योर वन एंड द इनकॉर्पोरियल वन इज जो सदा निराकार है, और जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा साकार है वो है पतित। He is always incorporeal, and the one who is always corporeal on the stage-like world is the impure one. तो पतित और पावन का मेल है, इसलिए कहते हैं पतित पावन, दोनों ही कंबाइंड है जरूर। So it is the combination of the impure one and the pure one. This is why it is said the purifier of the impure. They are both combined. They certainly are. और मुकर्ररथ में आकर के समझाते हैं। And he comes in the permanent chariot and explains the knowledge. कोई सिर्फ सुनाने की बात नहीं है। It isn't just about narrating it. तो कैसे समझा भी? Then how will he explain? वो खुद बोलते हैं कि मैं तुम्हारे माफिक, जैसे तुम आत्मा शरीर में आती हो, शरीर में लगाव लग जाता है, मैं ऐसे शरीर में नहीं आता हूं अटैचमेंट पूर्वक। He himself says, for example, you souls enter a body, you have attachment for the body, but I don't enter a body in such a way with attachment. माता के गर्भ में नहीं आता हूं। I don't enter the womb of a mother. यानी शरीर तो चाहिए तो ना। Still, I do need a body, don't I? तो इसलिए मैं आकर के इसमें प्रवेश करता हूं। सो दिस इज वाई आई कम एंड एंटर दिस वन। और जब प्रवेश करता हूं इसमें तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। एंड एज आई एंटर दिस वन नो क्वेश्चन अराइजेज एट ऑल, क्योंकि रथ तो है ही। इट इज बिकॉज इट इज जस्ट अ चैरियट। अब रथ चाहे टेम्पररी रथ हो, चाहे स्थायी रथ हो, मुकर्रर रथ हो। वेल वेदर दैट चैरियट इज टेम्पररी और फिक्स्ड परमानेंट, रथ तो जरूर है। इट इज सर्टनली जस्ट अ चैरियट। और देखते हो कि प्रैक्टिकल में बात तो इनसे करते हैं ना, किनसे? प्रैक्टिकल रथधारी से जो भी दोनों हैं, मुकर्रर रथधारी टेम्पररी रथधारी, इनसे बात तो करते हैं ना, करते। एंड यू सी ही सर्टनली स्पीक्स विद देम इन प्रैक्टिस, डजंट ही? विथ हूम? विद द वंस हू ओन द चैरियट इन प्रैक्टिस, एनी ऑफ द टू, whether it is the one who owns the permanent chariot or the temporary chariot, he does speak to them, doesn't he? He does. और बरोबर इसको माता भी कहा जाता है। And definitely this one is called the mother as well. भी क्यों लगाई दिया? Why was as well used? क्योंकि टाइटल धारी भी तो है प्रजापिता का। इट इज बिकॉज ही इज द टाइटल होल्डर प्रजापिता एज वेल, इजंट ही? तो माता भी कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा भी कहा जाता है। सो ही इज कॉल्ड द मदर एज वेल एज प्रजापिता ब्रह्मा। टाइटल धारी है, ही इज द टाइटल होल्डर। अरे ये सबसे बड़ी नदी है ना। अरे This is the largest river, isn't it? कहाँ की? विदेश की? Of which place? Abroad? नहीं। No.
भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ भारत, विच वन? है ब्रह्मपुत्रा नदी। रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा नाम क्यों दिया? Why was the name Brahmaputra given? आत्मा पुरुष है ना? The soul is a male, isn't it? हाँ। फीमेल के रूप में देखेंगे तो नदी है, तो इसका नाम रखा हुआ है ब्रह्मपुत्री। Student replies, yes. When it is seen from the viewpoint of a female, it is a river. So it has been given the name Brahmaputri. किसे ने? भक्ति मार्ग। Who? The people in the path of bhakti. ब्रह्मपुत्री है तो भगतिनी भी तो रही होगी। When she is Brahmaputri, she would have been a devotee as well, wouldn't she? नहीं। No. हाँ? Yes. ब्रह्मपुत्री नदी है ना? ब्रह्मपुत्री इज अ रिवर, isn't it? कोई सागर तो नहीं है ना? It certainly isn't the ocean, is it? कलकत्ते के तरफ में जा करके सागर में पड़ती है। It goes towards Kolkata, then merges in the ocean. तो ये ब्रह्मपुत्रा कहो, ब्रह्मपुत्री कहो, सबसे बड़ी नदी है भारत देश की। So, call it Brahmaputra or Brahmaputri. It is the largest river of the country, भारत। इसको महानदी भी कहते हैं। It is called महानदी, that is great river as well. महान ते महान नदी। It is the greatest river. जैसे देवताओं में कहते हैं महादेव। Just like शंकर is called महादेव among the deities. देवताओं में महान थे महादेव। He is the greatest deity among the deities. महादेवी कह दो। You may call her, that is ब्रह्मपुत्री, महादेवी। तो ये तो दृष्टांत दिए हुए हैं उन्होंने भक्ति मार्ग में। So, these examples have been given in the path of bhakti. अभी पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चे तो यहाँ देखते हो कि कोई पानी की नदी की जो बात है नहीं। Now, in the Purushottam confluence age, here, your children see that it isn't about a river of water at all. जैसे पानी बहुत पतला होता है। Just like water is very thin. वैसे ये ज्ञान भी बहुत महीन ज्ञान है। Similarly, this knowledge is also very subtle knowledge. ये तो जानते हो कि ये ब्रह्मपुत्रा महानदी है, बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। You do know that this Brahmaputra is Mahanadi, a large river, the largest river. तो ये कोई पानी की तो नदी नहीं है। So, it certainly isn't a river of water. ज्ञान जल की नदी है। It is the river of the water of knowledge. फिर ज्ञान का अर्थ कोई पानी नहीं निकलता है। Then, knowledge doesn't mean water. समझानी है? It is an explanation. जैसे वो कहते हैं ना, जल से पतला कौन है? Just like it is said, what is thinner than water? तो क्या जवाब देते हैं? What is the answer? जल से पतला ज्ञान है। Knowledge is thinner than water. तो ये समझानी है, देखते हो ना, तुमको ये समझानी मिलती है। So, it is an explanation. You observe it, don't you?
यू रिसीव दिस एक्सप्लेनेशन। पहले पहले ही तुमको आकर के समझाते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप। इन द वेरी बिगिनिंग ही कम्स एंड एक्सप्लेन्स टू यू, चिल्ड्रन आई एम योर फादर। जैसे तुम बात करते हो वैसे मैं भी बात करता हूँ। जस्ट लाइक यू स्पीक आई टू स्पीक। तुम पार्ट बजाते हो, बजाते आए हो। यू प्ले योर पार्ट, यू हैव बीन प्लेइंग इट। अच्छा भी तो बुरा भी, गुड एज वेल एज बैड। और मेरा पार्ट तो सबसे पिछाड़ी का है। माई पार्ट इज ऑफ द वेरी एंड। अच्छे से अच्छा भी है और फिर बुरे से रौद्र रूप धारण करने वाला रुद्र भगवान भी कहा जाता है। इट इज द बेस्ट एज वेल एज द वर्स्ट, आई एम ऑल्सो कॉल्ड गॉड रुद्र हु टेक्स ऑन द फियर्स फॉर्म। क्यों सबसे पिछाड़ी का क्यों है? Why? Why is it of the very end? जब तुम बिल्कुल ही पतित बन जाते हो तब मेरा आना होता है। When you become absolutely impure, it is then that I come. तो ये बात आ करके समझाते हैं ना कर करके। So he comes and explains this concept, doesn't he? आना होता है तुमको बाबा बारिश बनाने के लिए। बाबा हैज टू कम टू मेक यू हिज हीयर्स। देखो इनको सब कोई कहेंगे। लुक एवरीवन विल आस्क देम। इनको ये इतना मालिक बनाने के वाला कौन है? किनको? हु इज द वन हु मेक्स देम सच ग्रेट मास्टर्स? हु? एक को या दोनों को? वन और बोथ ऑफ देम। दोनों को? कौन कौन दोनों को? बोथ ऑफ देम। हु बोथ? राम और कृष्ण वाली दोनों आत्माओं की बात बताई। इट वॉज सेड अबाउट बोथ द सोल्स ऑफ राम एंड कृष्ण। एक है विश्व का मालिक और एक है सतयुग का मालिक। वन इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड एंड द अदर इज द मास्टर ऑफ द गोल्डन एज। इतना बड़ा मालिक बनाने वाला है कौन? हु इज द वन हु मेक्स देम सच ग्रेट मास्टर्स? कोई है या नहीं है? इज देयर समवन और नॉट? तो कहेंगे सिवाय ईश्वर के किसका नाम तो लिया नहीं जा सकता। देन इट विल बी सेड नो वन एक्सेप्ट गॉड्स नेम कैन बी टेकन फॉर इट। है कोई दुनिया में? इज देयर एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड? है। अरे कोई इसको समझाएगा? किसको? अरे विल एनीवन एक्सप्लेन टू हिम? हु? किसको समझाएगा? हु विल ही एक्सप्लेन टू? औरों को तो समझाना फिर भी सहज है, इसको समझाना वो तो सबके बस की बात नहीं है। कौन? इट इज स्टिल इजी टू एक्सप्लेन टू अदर्स बट टू एक्सप्लेन टू हिम इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। यस। हु? इसको समझाएगा कोई? किसको बताया? विल एनीवन एक्सप्लेन टू हिम? फॉर हुम वॉज इट सेड? कहेंगे सुप्रीम सोल, वो तो ज्योति बिंदु है, उसको तो मुख ही नहीं, वो कैसे समझाएगा? इट विल बी सेड दैट द सुप्रीम सोल इज इनफैक्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, ही डजंट हैव अ माउथ एट ऑल। वो मुकर रथधारी में प्रवेश करता है तब वो एक ही है मनुष्य सृष्टि का बाप जो ब्रह्मा वाली सोल को भी समझाता है या नहीं समझाता?
उस ब्रह्मा की सोल को कोई दूसरा समझा सकेगा? हाँ, वही प्रजापिता ब्रह्मा जिसे कहा जाता है वही समझाते है। हाउ विल ही एक्सप्लेन व्हेन ही एंटर्स द परमानेंट चैरियट ही इज द ओनली वन द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड हु एक्सप्लेन्स टू द सोल ऑफ ब्रह्मा एज वेल और नॉट? कैन एनीवन एल्स एक्सप्लेन टू दैट सोल ऑफ ब्रह्मा? स्टूडेंट रिप्लाइज, यस, दैट वेरी वन हु इज कॉल्ड प्रजापिता ब्रह्मा एक्सप्लेन्स टू हिम। तो कहेंगे क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कौन सा मां? बाप। सो इट विल बी सेड इट इज बिकॉज द फादर मेक्स देम इनटू द मास्टर्स ऑफ हेवन। आत्माओं का बाप, द फादर ऑफ द सोल्स। कैसे बनाते हैं? हाउ डज ही मेक देम दैट? बेहद का बाप है तो बेहद का ज्ञान जल का भंडार दे करके बनाते। एज ही इज द अनलिमिटेड फादर ही गिव्स द अनलिमिटेड स्टोर हाउस ऑफ द वॉटर ऑफ नॉलेज एंड मेक्स देम दैट। किसको? हु? ज्ञान सूर्य है ना। ही इज द सन ऑफ नॉलेज इजंट ही? तो बेहद का जल किसे में? सो हु हैज द अनलिमिटेड वॉटर? ज्ञान सूर्य के है तो सूर्यवंशी, लेकिन बेहद का जल है सागर में होता है ना। ही विल बी कॉल्ड द सन ऑफ नॉलेज, ही सर्टनली अ सूर्यवंशी, बट इट इज द ओशन इन विच देर इज द अनलिमिटेड वॉटर इज इंट इट? तो बेहद का बाप है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। सो He is the unlimited father on this stage-like world. तो स्वर्ग का मालिक तो ये है। So he certainly is the master of heaven. और बाबा तो बहुत सहज करके अभी पुरुषोत्तम संगम युग में समझाते हैं। And Baba simplifies the knowledge a lot and explains it now in the Purushottam Confluence Age. कि भगवान स्वर्ग स्थापन करते हैं। That God establishes heaven. कौन सा भगवान? Which God? है? करते हैं, करता है या अकर्ता है? Does he do something? Is he करता और अकर्ता? वो ऊपर वाला तो अकर्ता है। The one who stays above is अकर्ता. फिर जब शरीर में प्रवेश करता है तो करता है या नहीं करता है? When he enters the body, is he करता or not? अरे सर्व संबंधों से सारे पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? बजाता है। अरे does he play all the parts through all the relationship or not? He does. तो स्वर्ग स्थापन करते हैं। So he establishes heaven. नई दुनिया उसको कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड द न्यू वर्ल्ड। किसको? विच वन? ये नहीं कहा उनको कहा जाता है। इट वॉजंट सेड दे आर कॉल्ड द न्यू वर्ल्ड। उसको कहा जाता है जिस नई दुनिया में बच्चों को अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। द न्यू वर्ल्ड वेयर द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस द सुपर सेंशियस जॉय इज कॉल्ड हेवन। कलाओं में बना हुआ कलाबद्ध सुख है या कलातीत सुख? कलाबद्ध जॉय दैट इज जॉय बाउंड इन सेलेस्टियल डिग्रीज और कलातीत जॉय। कलातीत सुख अनुभव होता है नई दुनिया। कलातीत जॉय इज एक्सपीरियंस्ड इन द न्यू वर्ल्ड। उसको सत्व प्रधान दुनिया कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द सत्व प्रधान वर्ल्ड। उससे जास्ती सत्व और कोई दुनिया में नहीं होता। देयर इज नो वर्ल्ड विच हैज मोर सत्व देन इट। पुरानी दुनिया को पुरानी दुनिया ही कहा जाता है। द ओल्ड वर्ल्ड इज कॉल्ड द ओल्ड वर्ल्ड इटसेल्फ। उसको कहेंगे तमो प्रधान दुनिया और उसको पतित दुनिया कहा जाएगा। इट विल बी कॉल्ड द तमो प्रधान वर्ल्ड
एंड द इम्प्योर वर्ल्ड. ठीक है ना? इट इज राइट, इजंट इट? तो ये पतित दुनिया और पावन दुनिया कोई तो बनाते होंगे ना. सो सम सोर्स वुड क्रिएट दिस इम्प्योर वर्ल्ड एंड द प्योर वर्ल्ड, वुडंट दे? ये अपने आप बन जाती है? और इज इट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली? हाँ, तो बनाने वाले हैं कोई जरूर. यस, देयर आर सर्टेनली सम सोल्स हु क्रिएटेड. होंगे ना? देयर विल बी, वोंट देयर? और पतित दुनिया बनाने वालों का चरित्र का यादगार चित्र और पावन दुनिया बनाने वाले का यादगार का चित्र, दोनों चित्र तो है ना? एंड द यादगार पिक्चर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज हु क्रिएट द इम्प्योर वर्ल्ड एंड द यादगार पिक्चर ऑफ दोज हु क्रिएट द प्योर वर्ल्ड, देयर आर बोथ द पिक्चर्स, aren't there? क्या चित्र है? व्हाट इज द पिक्चर? है रावण का चित्र है, अनेक सिरों का, अनेक मत मतांतर से ये दुनिया पुरानी तमोपदान बनती है. और राम का, रामलीला खेलते हैं ना यादगार में, तो राम का जो चेहरा मोरा दिखाते हैं वो एक चेहरा है या अनेक सिर हैं? There is the picture of Ravan with many heads. This world becomes old and tamopradhan because of various opinions. And what about Ram? They enact Ram Leela as a yadgar, don't they? Ram Leela means dramatic representation of the deeds of Ram. So, is Ram shown with one face or many heads? है? एक सिर है तो एक सिर से एक मत, अनेक सिरों से अनेक मतें मिलती हैं, उससे फिर होता है नरक. सो वन ओपिनियन कम्स फ्रॉम वन हेड एंड मेनी ओपिनियंस कम फ्रॉम मेनी हेड्स, देन हेल इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इट. तो बात आकर के समझाते हैं ये बात, और समझाने के लिए आना पड़े ना. अगर वो बेहद का बाप ना आवे तो तुमको समझावे कौन? सो द फादर कम्स एंड एक्सप्लेन्स दिस कॉन्सेप्ट एंड ही हैज टू कम टू एक्सप्लेन इट, डजंट ही? इफ दैट अनलिमिटेड फादर डजंट कम, हु विल एक्सप्लेन टू यू? देखो, समझाने के लिए, लुक टू एक्सप्लेन, इसीलिए क्योंकि ज्ञान का सागर तो वो बाप है ही. बिकॉज दैट फादर इज डेफिनेटली द ओशन ऑफ नॉलेज. वो ही कहते हैं, ही हिमसेल्फ सेज दिस. वो ही कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं. ही हिमसेल्फ सेज दिस, आई डोंट. किसे ने कहा? Who said it? शिव बाप ने कहा, वो ही बाप कहते हैं. क्यों? The father Shiv said that very father says this. Why? मैं नहीं कहता, ऐसे क्यों नहीं कहा? मेरे को तो मुख अपना है ही नहीं. Why didn't he say that I say it? I don't have my mouth at all. तो वो ही अपने मुख से कहते हैं. सो ही हिमसेल्फ सेज थ्रू हिज माउथ कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं. आई एम द सीड फॉर्म सोल ऑफ दिस ह्यूमन वर्ल्ड. और बीज रूप होने के नाते इस साकार मनुष्य सृष्टि के आज मध्यंत को जानता हूं. एंड एज आई एम द सीड फॉर्म सोल, I know the beginning, the middle and the end of this corporeal human world. साकार सृष्टि का रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? साकार ही होगा. Will someone corporeal be the creator of the corporeal world
और विल इट बी द इनकॉर्पोरियल वन? इट विल बी द कॉर्पोरियल वन हिमसेल्फ। अब क्योंकि मैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूं, एज आई एम द सेंटिएंट सीड फॉर्म सोल ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड। क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि चैतन्य है ना, इट इज बिकॉज दिस ह्यूमन वर्ल्ड इज सेंटिएंट, इजंट इट? तो उन अनेक प्रकार की मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूं, एक बीज। So, I am the one sentient seed of the variety human world. और वो खुद ही बताते हैं। And he himself says that. है? मनुष्य सृष्टि का बाप है ना? He is the seed of the human world, isn't he? तो बाप का परिचय? बाप के अलावा कोई दूसरा दे सकेगा? दे ही नहीं सकता। So. Will anyone apart from the father be able to give the introduction of the father? Not at all. तो वो खुद ही बताते हैं कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। So he himself says, I am the seed form soul of the human world. मैं सत्य हूँ। I am the truth. सत्य किसको कहा जाता है? What is said to be truth? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल मौजूद रहे, ऑलराउंड पार्टधारी हो, उसे सदा सत्य कहा जाता है। The one who stays forever present on this stage like world, the one who is the all-round actor is called forever truth. और चैतन्य भी हूँ। And I am sentient as well. फिर वो कहते हैं। Then he says. कि मैं बीज होने के कारण मुझे न झाड़ का, एज आई एम द सीड नॉट द ट्री, चैतन्य हूं ना, आई एम सेंटिएंट, एम आई नॉट? तो मुझे सृष्टि के ये जो झाड़ है कल्प वृक्ष, सो आई दिस ट्री लाइक वर्ल्ड द कल्पा ट्री। कल्प किसको कहा जाता है? What is called कल्प? चतुर्युगी को कल्प कहा जाता है ना? The four ages together are referred to as a kalpa, aren't they? तो देखो गाया ही जाता है दो चीजें, एक तो ये ड्रामा। So look, only two things are praised. One is this drama. और दूसरा ये कल्प वृक्ष। एंड दी अदर इज दिस कल्पा ट्री। ड्रामा कहो, सृष्टि का चक्कर कहो, दोनों की आयु क्या कहेंगे, 5000 वर्ष। कॉल इट ड्रामा और द साइकिल ऑफ द वर्ल्ड, हाउ लॉन्ग विल द एज ऑफ बोथ बी सेट टू बी? 5000 ईयर्स। तो चक्कर को ड्रामा भी कहे ना बच्चे। So the cycle is also called drama, isn't it children? सृष्टि का है ना ये drama. It is the drama of the world, isn't it? बेहद सृष्टि का drama है। It is the drama of the unlimited world. ये कोई हद का drama नहीं है। It isn't some limited drama. अगर ड्रामा है तो उसे ड्रामा को भी कहेंगे, फिरता तो रहता है ना। इवन इफ इट इज अ ड्रामा, इट विल बी सेट फॉर इट, इट डज कीप रोटेटिंग, डजंट इट? है कि कभी रुक जाता है? नहीं। और डज इट एवर स्टॉप? नो। बाकी वो 2 घंटा ड्रामा चलता है, हद का ड्रामा। As for the limited drama, it goes on for 2 hours. और उनका जो रील होता है ना, जिसको कहते हैं, वो तो बहुत छोटा होता है,
और इस बेहद के ड्रामा का रील तो 5000 वर्ष का है क्या? हाँ, एंड इट्स रील इज वेरी स्मॉल, वेर एज द रील ऑफ दिस अनलिमिटेड ड्रामा इज ऑफ 5000 ईयर्स. वॉट? यस. और ये 5000 वर्ष की रील आहिस्ते 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 चलती रहती. एंड दिस रील ऑफ 5000 ईयर्स टर्न स्लोली, वेरी स्लोली. तो बरोबर ये भी जानते हो. सो ट्रूली यू ऑल्सो नो. जो जो टाइम पास हो होता जाता है तो बरोबर ये जो 5000 वर्ष का टाइम है ऑल राउंड ड्रामा में उसमें फिर कमती होता जाता है. सो ट्रूली यू ऑल्सो नो एज टाइम पासिस द पीरियड ऑफ 5000 ईयर्स ऑफ द ऑल राउंड ड्रामा कीप लिसनिंग. ओम शांति. ओम शांति.